अरे भैया, हाथ जोड़ कर राम राम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 13 फरवरी के दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है, आर पार की आपा लड़ाई लड़ेंगे। हाथ जोड़ के विनती है, जिस किसान भाई को ये लगता है कि किसानों के लिए MSP का गारंटी कानून जरूरी है, लखीमपुर खीरी के घायल और शहीद किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है, किसानों की मजदूरों की कर्ज माफी जरूरी है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से लागू कराना जरूरी है, वो तमाम किसान साथी अपने ट्रैक्टर लेकर 13 फरवरी वाले दिल्ली कूच में शामिल हुए। यह हमारी फसल और नस्ल और अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 3 बॉर्डर तय किए गए हैं, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर। जो शंभू बॉर्डर के आसपास के हरियाणा के जिले हैं, अंबाला हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, वो सारे साथी 13 तारीख को सुबह शंभू बॉर्डर पहुंचे। जो खनौरी बॉर्डर के आसपास के जिले हैं, जींद और कैथल, वे तमाम साथी 13 तारीख को सुबह खनौरी वाले बॉर्डर पर पहुंचे। और जो डबवाली के आसपास के, फतेहाबाद के, सिरसा के जो साथी हैं, वो डबवाली वाले बॉर्डर पर 13 तारीख को सुबह पहुंचे। और विनती है तमाम और बाकी जिलों के साथी अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहें, आपको सही समय पर सही सूचना मिल जाएगी। ट्रैक्टरों की पूरी तैयारी रखो, जैसे जैसे काफिला पीछे से आएगा, हर गांव से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर उसमें जुड़ने चाहिए। मेरी प्रार्थना है सारे भाइयों से हाथ जोड़ के, किसी भी किसान भाई का ट्रैक्टर 13 तारीख को अपने घर में नहीं खड़ा रहना चाहिए। जिंदा जमीन वाले लोग और जमीन वाले लोगों का ट्रैक्टर सड़कों पर होना चाहिए। ये हो सकता है, ये संभव है कि सरकार अभी 1-2 दिन में इंटरनेट भी बंद कर दे। फोन के माध्यम से आप सबसे संपर्क होता रहेगा। तमाम साथियों से हाथ जोड़ के विनती है, इन बातों पर गौर करें। आंदोलन को पूरा शांतिपूर्ण रखना है। तमाम बैरिकेड हटा के आप दिल्ली जरूर जाएंगे 13 फरवरी को। जय जवान, जय किसान।